तो अपने जो पॉइंट चल रहे थे वो थे इंसुलेटर यानी कि अचालक। अचालक के अंदर अपन ने ये तो शुष्क वायु के बारे में बात कर ली, और माइका के बारे में भी बात है अपन ने कर ली, परंतु उससे पहले उनको एक बार साइड में छोड़ते हुए अपन आज कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो क्या करते हैं कि वो ये बताते हैं कि अपने पास ये चीज़ चालक है, ये चीज़ मेरे पास अचालक है, और ये चीज़ मेरे पास क्या है, अर्धचालक है। वैसे तो अपन सभी को पता है कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चीज़ क्या होती है, हमेशा चालक होती है। ठीक है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नगण्य, वो चीज़ क्या होती है, हमेशा अचालक। ठीक है, और जिसके अंदर हो भी सकते हैं वो नहीं भी हो सकते, यानी कि अंतिम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चीज़ क्या होती है, अपने पास अर्धचालक। ठीक है, तो उस वो चीज़ तो होगी नॉर्मल बात, जिससे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को देख के अपना पता कर लेते हैं कि ये चीज़ मेरे पास चालक है, ये चीज़ मेरे पास अचालक है, और ये चीज़ मेरे पास क्या है, अर्धचालक। परंतु उनके अलावा भी क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो क्या बताती है कि ये चीज़ मेरे पास चालक है, ये चीज़ मेरे पास अचालक है, और ये चीज़ मेरे पास क्या है, अर्धचालक। वो इलेक्ट्रॉन के बाद की बात है, वो तो इलेक्ट्रॉन नहीं बताते। सबसे पहले कौन बताता है, जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में क्या हो जाएगा ये कंप्लीट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो आप इस वीडियो पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके अंदर पढ़ेंगे आज अपन एनर्जी गेप, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी गेप इसको बोलते हैं, एनर्जी को ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ऊर्जा अंतराल ही है जो हमें क्या बताता है कि ये चीज़ मेरे पास क्या है, चालक है, ये चीज़ मेरे पास अर्धचालक है, और ये चीज़ मेरे पास क्या है, कुचालक। ठीक है, कौन बताता है, एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप क्या होता है, अगर एनर्जी गैप के बारे में बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास, अगर एग्जांपल की बात कर देता हूँ सबसे पहले मैं, कि मेरे पास क्या है, कोई भी क्या है मेरे पास परमाणु, एक परमाणु संरचना है मेरे पास, इसके अंदर यहाँ पे क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास अगर ये एक और मेरे पास क्या है परमाणु संरचना, इसके अंदर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या है बहुत ज़्यादा दूरी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जा सकता भाई, दूरी है, दूरी होगी तो वहाँ पे सीधी सी बात है नहीं जा सकता, ऐसे तो नहीं कूद के इतनी दूर चला जाएगा, नहीं जा सकता। ठीक है, तो बीच में इनके क्या है बहुत ही ज़्यादा दूरी है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता तो उसके अंदर क्या नहीं बहती, विद्युत धारा नहीं बहती, तो वो क्या कहलाएगा, अपने पास अचालक। ये सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं खिसका के कहाँ पे ले आऊँ, इसके यहाँ तक ले आऊँ, तो भी इनके बीच में क्या है कम दूरी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है नाभिक, ये वाला मैं खिसका के कहाँ पे ले, यहाँ पर ले आया, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन अगर गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनों की जो आयनों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कूद सकता है, या ये वाला इधर कूद सकता है, यानी जा सकते हैं भाई। उनके अंदर अपने क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो चीज़ तो कहलाई थी अपने पास अचालक, भाई नहीं जा सकते, सिंपल सी बात थी। और यहाँ पे जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, सिंपल पढ़ें तब तो नहीं जाएंगे, अपने इनके अंदर हीट दे दें तो वो क्या होगा, इधर से उधर जा सकते हैं, तो हीट देने पर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, जा भी सकते हैं और नहीं जा सकते, दोनों चीज़ हो गई, तो वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ठीक है, अगर मैं इसको और किसका के पास में ले आऊँ, किसका कान तक ले आया, यहाँ तक ले आया, यहाँ पे ये यहाँ से हटा के मैं कहाँ पे ले, यहाँ पर इसके पास में, ये नाभिक हो गया। अब सीधी सी बात है, ये आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, तभी तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इधर ही पड़ी रहती हैं, वरना ये चीज़ें इधर उधर भाग जाती, तभी तो मैंने आपको पहले अपने वीडियो बनाए थे उनके अंदर बता दिया, ये नाभिक है, नाभिक के पास क्या होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कक्षा में, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एक बाहरी जो कक्षा है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्याग करेगा, वो हमेशा बाहरी वाली कक्षा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ना कि अंदर वाली कक्षा का। अब अंदर वाली कक्षा क्यों नहीं कर पाता, क्यों, यहाँ पे क्या मेरे पास नाभिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, और इसको भी अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित, परंतु यहाँ पे बल जो पास में होगा उसमें बल क्या लगेगा, ज़्यादा, जो दूर है उसमें बल क्या लगेगा, बहुत ही कम, तो सीधी सी बात है यहाँ पे बल की मात्रा क्या है, कम कम आकर्षित करता है, तो इसको अपन क्या कर दें, थोड़ा सा धक्का लगा के साइड वाले में ले जाइए,
तो समझ गए होंगे आप, जो बाहरी वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफर आसानी से हो सकता है, ठीक है, अंदर वाले की अपेक्षा। तो उसी प्रकार ये वाला ना भी पहले तो इसको खींच रहा था, अब इसको भी खींचने की कोशिश करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। अब ये वाला ना भी इसको पहले इसको खींच रहा था, अब इसको भी खींचने की कोशिश करेगा, तो ये वाला इधर जा सकता है, मतलब इधर उधर दोनों तरफ जा सकते हैं। तो क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास चालक, यानी इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान आसानी से हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया अपने पास चालक। इसी प्रकार क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, इस जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसी प्रकार क्या होता है एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप था एक प्रकार से। तो देखिए एनर्जी गैप, इस थ्योरी की खोज की थी बोर ने, बोर नामक वैज्ञानिक था, उसने इस थ्योरी की क्या की थी खोज, यानी इसको बोलते हैं सॉलिड थ्योरी, सॉलिड थ्योरी। इसका मतलब हो गया जितने भी ठोस हैं अपने पास, जितने भी ठोस हैं अपने पास उनके अंदर चालकों को अलग करना, अर्धचालकों को अलग करना और कुचालकों को अलग करना, ये क्या एक थ्योरी है, उसका नाम है सॉलिड थ्योरी। इसकी खोज बोर ने की थी, ठीक है, सिद्धांत बोर ने दिया था। देखिए ऊर्जा अंतराल, प्रत्येक पदार्थ में परमाणु संरचना पाई जाती है, और परमाणु संरचना किस प्रकार की होती है, मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। ये मेरे पास क्या कोई ग्राफ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऊपर 7, ये ग्राफ बनता है। तो ऊपर वाले क्या होते हैं प्लस में, ये सारे क्या पॉजिटिव में, ये मेरे पास क्या नेगेटिव में, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया शून्य। जो सबसे पहले बात आती है कि इसके अंदर दो बैंड पाए जाते हैं, कितने बैंड, दो बैंड, यानी ऊर्जा अंतराल दो बैंडों से बनता है, कितने बैंडों से, दो बैंड से। पहला जो बैंड होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में चालन बैंड। और दूसरा जो बैंड होता है उसका क्या नाम होता है, वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं अपन सियोजी बैंड। सब ज़्यादा ये मतलब ये अपने जो काम आता है वो कहाँ पे, अर्धचालक के अंदर ज़्यादा काम आएगा, पर मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ अपने क्या चल रहे हैं कुचालक, अपने यहाँ पर इसलिए बता देता हूँ मैं कि इनके अंदर, अब मैं ऊर्जा अंतराल बताने वाला हूँ आपको, एनर्जी गैप, क्यों बाद में ये टॉपिक रह जाएगा तो रह ही जाएगा, इसलिए पहले ही बता देता हूँ। देखिए एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैंने आपको ये दिया था, ये मेरे पास क्या है, दो परमाणु संरचनाएं, इनके बीच में बहुत सारा क्या था, गैप था दोनों के मध्य, ठीक है, और यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या नाभिक, दोनों परमाणु संरचनाओं के मध्य क्या है बहुत ही ज़्यादा दूरी। अगर यहाँ पे अपन बल भी लगाते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं कूद पाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं कूद पाएंगे, यानी कि जिस जिस मान लीजिए जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो चीज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा मास। पहली बात तो ये ध्यान रखें आप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे मास, जो मास होता है वो क्या हो जाएगा ज़्यादा, सीधी सी बात है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे मास क्या हो जाएगा थोड़ा कम। ये बात तो आपको पता भी होगी, क्योंकि जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो 9.11 × 10^11 मानी 31 kg होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उतना उतना ही वजन क्या होगा, कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उतने वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वहाँ पे वजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, द्रव्यमान, ठीक है। तो इनके अगर ये पास में होते तो जाते इलेक्ट्रॉन आसानी से, दूर हैं तो नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए इसके जो वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पे आ गए, लगभग यहाँ पर आ गए, आपके ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ये दूरी यहाँ तक है, ठीक है, इसको यहाँ तक मान लीजिए, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका नाम क्या होता है,
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को पता है अंतिम कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्योंकि अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे। और इसके जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है यानी चालन बैंड के जो मतलब इधर उधर जा सकते हैं वो क्या बहुत ही कम, यानी कि लगभग जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पर इसके आसपास, इसके आसपास लगभग शून्य के आसपास रहने वाले। तो इनके मध्य की दूरी क्या हो गई? ज़्यादा। ये हो गया मेरे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य दूरी क्या हुई? ज़्यादा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाने में क्या होंगे? असमर्थ, नहीं जा सकते। अपन जितना बल लगाएंगे, जितना लगाना चाहिए लगा सकते हैं, फिर भी ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे। तो इनके मध्य दूरी क्या है? ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं अपन फॉरबिडन बैंड, और इसको फॉरबिडन हिंदी में बोला जाता है निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र। और इसी का नाम क्या होता है? एनर्जी गैप, एनर्जी इजी से दिखाते हैं, एनर्जी गैप, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग कितना होता है एनर्जी गैप? 1 2 3 4 5, यानी 5 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड और चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड के मध्य की दूरी ज़्यादा होती है तो वो कौन से होंगे? अचालक, इनको बोला जाता है इंसुलेटर। ज़्यादा दूरी है तो उनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। तो इनका कितना होता है एनर्जी गैप? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट या इससे ज़्यादा। तो सामान्यतः 5 इलेक्ट्रोवोल्ट ही मानते हैं, तो कितना होता है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट या उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इजी के बराबर हो गया ये, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा कौन होगा? आपका एनर्जी गैप। वो सारी कौन से कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। तो आपको अगर पूछा जाए इंसुलेटर का एनर्जी गैप कितना होता है? कितना होता है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ, ये चीज़ मतलब सिद्ध नहीं हुई है कि भाई रियल टाइम ऐसा एनर्जी गैप होता है कि नहीं होता, कंडक्शन बैंड होता है कि नहीं होता, इस प्रकार की ये चीज़ सिद्ध नहीं हो पाई है। मतलब इनके बारे में सिर्फ बताया गया है, तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं वही बताती हैं अपने को कि अपने पास ये चीज़ चालक है, ये चीज़ अचालक है। अगर साइंस के अंदर भी आप खोजते हो यानी फिजिक्स वगैरह के अंदर, तो भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, मतलब अंदर से गहराई से नहीं मिलेंगी भाई ये चीज़ रियलिटी में होती है या नहीं होती। सिर्फ ये चीज़ें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती हैं, भाई इस प्रकार दूरियाँ हैं इनके मध्य, तो ये चीज़ें अपने पास इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा सकते, बस इतना ही पता है। तो वहाँ से अपने क्या बना दिए? यहाँ पे कुछ गैप बना दिए, इसलिए इस गैप को क्या बोला जाता है? फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप, ठीक है। फॉरबिडन एरिया ये एक प्रकार से, ठीक है। ये था अपने पास कुचालकों का एनर्जी गैप। अगर मान लीजिए ये वाली बैंड थोड़ी ऊपर आ जाती है, यहाँ पर कहाँ पे? थोड़ी सी ऊपर, यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली जो बैंड है वो लगभग यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर, यहाँ पर आ जाती, ठीक है। तो इनके मध्य दूरी क्या हो जाती? बहुत ही कम, बहुत ही कम। यानी अपन थोड़ा बहुत इनको अगर धक्का दे दें तो इधर से इधर ये जा सकते हैं, यानी कि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है, या इनको अपन क्या कर दें? हीट दे दें, गर्मी, गर्मी देंगे तो आयनों की जो गति होती है उसके ऊपर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा, आयनों गति बढ़ेगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा, यानी यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। और ये वाला कौन सा होगा अपने पास? वैलेंस बैंड, ठीक है, यानी संयोजी बैंड भी बोलते हैं, संयोजी बैंड। तो ये वाला जो एरिया है इसका जो मान होगा वो कितना होगा? लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर या इससे ज़्यादा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवोल्ट के बारे में भी बात करूँगा, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, कम नहीं होगा, शून्य के आसपास नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है थोड़ा बहुत, लगभग 3 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास से जा सकता है। तो वो कौन से होंगे अपने पास? अर्धचालक, कौन से होंगे? अर्धचालक। तो इसमें एजी का मान क्या होता है? या तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा
या 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 3 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास से जा सकता है। ठीक है, बाई चांस ये बैंड यहाँ से उठकर कहाँ पे चली जाए, ये तो मेरे पास सुनने वाला था। ये मेरे पास कौन सी बैंड थी, कंडक्शन बैंड, ये वाली बैंड पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आई, फिर यहाँ से उठ के कहाँ पे चली, इसको क्या कर गई, ओवरलेप, यानी इसके ऊपर चढ़ गई वो पूरी पूरी। ठीक है, एक दूसरे के आगे ऊपर आ गई, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको धक्का देने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से कहाँ कहाँ पर हैं, कंडक्शन बैंड में, पहले से कहाँ पे हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर, तो उन्हें धक्का देने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके मध्य जो एरिया बना वो कितनी दूर पर बढ़ा है, बढ़े नहीं, तो कितना बना, सुन, जो फॉरबिडन का जो एरिया था वो कितना बना, शून्य के बराबर, बढ़ा ही नहीं, तो एनर्जी गैप भी क्या होगा, शून्य इलेक्ट्रोवोल्ट, तो वो कौन से हो जाएंगे, चालक। तो इनके अंदर, चालकों के अंदर अपन, मतलब ऐसा होता है कि अपन जो अर्धचालक होते हैं वो तुरंत धारा का प्रवाह नहीं करते, उनके अंदर कुछ देर अपन क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, तो वो क्या होंगे, थोड़े बहुत गर्म होंगे, तभी क्या करेंगे, वो धारा का प्रवाह करेंगे। तो वो लगभग सप्लाई कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा, लगभग 3 तक होती है। ठीक है, और कुछ चालकों में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट या 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होती है, तो ये धारा का प्रवाह कर ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा ही सप्लाई, और इससे ज़्यादा अपन दे दें वहाँ पे सप्लाई, भाई इससे ज़्यादा अगर अगर अपन एनर्जी देते हैं वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, जलकर नष्ट हो जाएगा। और अपने पास जो चालक होते हैं उनको सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, देती क्या होगी, धारा प्रवाह होगा, रुकने के इस पल भी नहीं लगेगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, वहाँ पर धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। तो चालकों का एनर्जी गैप कितना होता है, शून्य। अब बात करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट होता क्या है इसके बारे में। इलेक्ट्रोवोल्ट होती है जो अपने पास ऊर्जा अंतराल होता है, यानी ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक, कौन होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऊर्जा। अब 1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 5 किसको गुणा कर दूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल को कर दूँ, तो कितना हो गया, 8 × 10⁻¹⁹ जूल, सीधी सी बात है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रोवोल्ट। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, या तो जूल आता है या कौन आता है, इलेक्ट्रोवोल्ट आता है, और या जूल आ जाए तो जूल हो जाएगा, और जूल नहीं आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ठीक है, ये थे अपने पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एरिया, यानी कि निश्चित क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन एक एग्जांपल के ऊपर और बता देता हूँ भाई, वो बैंड वैलेंस बैंड नीचे क्यों बनी और कंडक्शन बैंड ऊपर क्यों बनी, मैंने उल्टा क्यों नहीं बनाया उनको, वो भी बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या होगी चीज़, उस चीज़ में द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, द्रव्यमान में क्या होगा, ज़्यादा। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उस वस्तु का, सॉरी, उस बैंड का द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने पास जो वैलेंस बैंड जो थी, वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड उसका जो ये ठीक है, वैलेंस बैंड जो थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा। तो जो चीज़ वजनी होगी वो हमेशा कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ, जो चीज़ हल्की होगी वो कहाँ पे उठेगी, ऊपर की तरफ। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए वो हमेशा कहाँ पे रहती है, नीचे। ठीक है, और अपने पास जो कंडक्शन बैंड थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम, तो वो बैंड हमेशा कहाँ पे रहेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, कहाँ पे रहेगी, ऊपर की तरफ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, और जिसमें कम है वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर, इसीलिए कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होती है और वैलेंस बैंड कहाँ पे होती है, नीचे। ठीक है, ये बात थी इनकी। अब एक बात और बता देता हूँ, देखिए, इनको सिंपल से तरीके पे अगर देखा जाए तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये एरिया क्या है मेरे पास, वैलेंस बैंड, ये एरिया मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड। तो इनके मध्य दूरी अगर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर है तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगर इनके मध्य दूरी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर, यानी ये वाली जाके कहाँ पे चले, इसके ओवरलेप कर जाए, ओवरलेप का मतलब होता है
उसके ऊपर चढ़ जाती है सीधी सीधी, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास चालक, उसका जो एनर्जी गैप होगा कितना हो, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इनके मध्य दूरी बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास अर्धचालक। तो ये वाला जो एनर्जी गैप है वो भी बताता है अपने को, ये चीज़ मेरे पास चालक है, ये चीज़ मेरे पास अर्धचालक है, ये चीज़ मेरे पास क्या है कुचालक है, तो ना कि इलेक्ट्रॉन बताते हैं। वो तो सिंपल से अपने समझने के लिए क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, तीन है, तो वो चीज़ क्या है अपने पास चालक है। वो सिर्फ समझने की थ्योरी है, वो रियलिटी वाली जो थ्योरी थी ये थ्योरेटिकल तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा देखा नहीं गया कि भाई रियलिटी में ऐसा होता है क्या, सिर्फ वहाँ पे इतने देखा गया हाँ इनके मध्य गैप तो होता है, पर उनको नाम दे दिया, एक वैलेंस बैंड दे दिया, कंडक्शन बैंड दे दिया, ऐसे नाम दे दिए गए और माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए थे। ठीक है, ये था अपना एनर्जी गैप। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, और अगले वाले वीडियो में अपन वापस किसकी बात करेंगे, अचालकों के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।